ये एक ऐसा हेयर डाई है जो कि आपके बालों को परमानेंटली काला कर सकता है। चाहे आपकी उम्र कोई सी भी है, ये एक नेचुरल घर में बनाया हुआ ऐसा हेयर डाई है जिससे आप अपने सफेद बाल को हमेशा के लिए काला कर सकते हैं। आजमा के देख लो, मेरी गारंटी है। ना हो तो फिर मुझे बताना और मैसेज करना, और आप मुझे अनसब्सक्राइब भी कर सकते हो अगर आपको ये रिजल्ट ना मिले। आज का वीडियो है बहुत ही स्पेशल। क्या स्पेशल? कि बालों से रिलेटेड स्पेशल। ज्यादातर लेडीज जो है, जेंट्स भी, मैं नहीं कहूंगी, बाल तो मेल फीमेल दोनों के होते हैं, ज्यादातर लोग परेशान इस बात से रहते हैं कि बाल कम उम्र में सफेद हो गए हैं। सफेद हो गए हैं तो डाई कराते हैं, डाई कराते हैं तो फिर जरों से वो जो है सफेद सफेद दिखने लगते हैं, जिसकी वजह से रूट टचअप जो है बार बार कराना पड़ता है और पैसे भी खर्च होते हैं, एनर्जी भी लगती है, टाइम भी खराब होता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा अनोखा वीडियो बनाया जाए जिसमें मैं आपको घरेलू तरीके से, नेचुरल तरीके से आपके बालों को परमानेंटली काला कर दिया जाए। साथ में ही आपको कुछ ऐसा अनोखा एक ऑयल बताया जाए, अगर आपके बाल गिरने की समस्या है तो गिरने की समस्या को भी खत्म कर दिया जाए, बाल को मजबूत, एकदम खूबसूरत, चमकीला और घना बना दिया जाए, चाहे एज कोई सी भी हो। अब अगर मैं क्या कह सकती हूँ तो उसके पीछे कारण ये है कि मैं 52 में अपने बालों को ऐसा रख पा रही हूँ, उसके पीछे यही दोनों कारण है। चलिए आज आपको बताते हैं कि बालों का प्रॉब्लम क्यों होता है, किस लिए होता है, कैसे इसको ठीक करना है। ध्यान रखिए, खान पान एक बहुत बड़ा कारण है। अगर आपके खान पान में सुधार नहीं होगा, अगर अच्छी डाइट नहीं लेंगे, आयरन की कमी रहेगी, सन एक्सपोजर आपके बालों को ज्यादा मिलेगा, तो ये सब प्रॉब्लम होएंगी। इन सब के लिए अच्छा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, स्प्राउट, सीड्स, नट्स खाइए। हफ्ते में एक बार कम से कम बालों की ऑयलिंग कीजिए, जितना हो सके बालों को सन एक्सपोजर से बचाइए, और कुछ योगा और प्राणायाम जरूर कीजिए जिससे कि बालों को अच्छा नरिशमेंट और अच्छा ऑक्सीजन मिल सके। तो आज चलिए मैं आपसे शेयर करती हूँ राज की बात, अपनी बात। तो आइए अब हम देखते हैं कि इस स्पेशल ऑयल, जो ऑयल बनाने वाली हूँ आज मैं, उसके लिए हमें क्या क्या चीजें चाहिए, सामग्री क्या क्या चाहिए वो देख लेते हैं। हमें कलौंजी लेना है 2 चम्मच, 2 चम्मच लेना है मेथी, फ्रेंकविक सीड जिसको कहते हैं मेथी, सूखा आंवला है, मेहंदी पाउडर, और ये है करी पत्ता का लीफ, ये आपको लेना है, प्योर कोकोनट ऑयल हमें लेना है, एक सरसों का तेल, ऑलिव ऑयल। तो कढ़ाई को आपने मीडियम आंच पे रखना है, आंच पे रख के 2 चम्मच कलौंजी डालनी है, 2 चम्मच मेथी जिसको मेथरा भी लोग बोलते हैं, 4 चम्मच आंवला डालना है। ये ड्राई आंवला मिले तो बहुत अच्छा है, नहीं अगर ड्राई आंवला नहीं मिले तो आपको, अगर पाउडर मिलता है तो आप पाउडर भी ले सकते हैं। तो 4 चम्मच ये आंवला डाल दिया मैंने, और इसको भूनना है। कब तक भूनना है? जब तक ये अच्छे से लाल हो जाएगा, इसके अंदर स्मोक आने लगेगा, तब तक हमें इसको भूनना है। 4 चम्मच मेहंदी, कोई सा भी मेहंदी, जो मेहंदी आप यूज करते हैं वो मेहंदी आपको लेना है। तो इसको मेहंदी के साथ फिर भूनना है, कब तक? जब तक कि मेहंदी एकदम काला नहीं हो जाता। भून के हमने गैस बंद कर दिया, और उसके बाद आप इसको हटाकर ठंडा होने के लिए रख दें। इसके अंदर डालूंगी 1/4 ग्लास ये सरसों तेल, ये जो मैंने करी पत्ता लीफ रखा हुआ है वो। आपको ये चीजें सिम पे बनानी है, आज को आपको बिल्कुल भी तेज नहीं करना है। और ये है वो जो मैंने पीसा है, पीस के जो सारी चीजें मैंने अभी भूनी उसको पीसा है। इन सारी चीजों को फिर इसमें साथ साथ डाल देनी है। अभी इसके अंदर ऑलिव ऑयल भी जाएगा, अभी इसके अंदर कोकोनट ऑयल भी जाएगा। इसको गैस को बंद कर दें, ये गैस बंद कर दें, और फिर इसको ठंडा होने के लिए आप छोड़ दें। अब ये पूरी तरीके से ठंडा हो चुका है, तो अब इसके अंदर ये ऑलिव ऑयल, सेम जितना मैंने डाला था सरसों का तेल उतना डालेंगे, के अंदर जो कोकोनट ऑयल है ये भी सेम उतने ही अमाउंट में डाल देंगे। डालने के बाद इसको अच्छे से मिला देंगे, और अब एक मसलिन क्लॉथ पे लेकर
कल फिर आप इसको रात में लगाएं। लगाने के बाद आप पूरी रात इसको रखें। इस ऑयल को अब आप सर में लगाएं और आप देख सकते हैं ये अभी से काला दिख रहा है। इस ऑयल को सर में लगाएं, अच्छे से आप मसाज करें, और जब मसाज करेंगे आप और अगले दिन आप बाल धोएंगे उसी टाइम से थोड़ा थोड़ा चेंज दिखने शुरू हो जाएगा। जो हमें हेयर डाई बनाना है, हेयर डाई के लिए ऑयल लगाने के बाद जो हेयर डाई आपको लगाना है, तो तेल आपने रात में लगाकर सो जाना है और सुबह में उठ के आपको ये हेयर डाई हेड वॉश पहले करना है और हेड वॉश के बाद हेयर डाई लगाना है। ऐसा नहीं है कि हेयर डाई आपने तेल लगे हुए में ही लगा देना है। तो ये मैंने 50 ग्राम जो है वो कलौंजी लिया है और इस कलौंजी को भूनना है इतना जैसे जल जाता है ना कोई सामान, जल जाता है पूरी तरीके से, ये राख हो जाएगा एक तरह से, इतना अभी इसको भूनना है हमें। जितना ज्यादा ये भुनेगा, जो एक तो काला इसका रंग ही है, लेकिन ये जितना और काला होगा उतना ज्यादा ये आपके बालों में इफेक्ट डालेगा और आपको यकीन नहीं होगा कि इस डाई से जब आप हेयर नेचुरल हेयर डाई से कलर करोगे तो आपके बाल, आपको दिखाऊंगी, मेरे बाल तो खुद के काले नहीं है लेकिन मैं आपको धागे पे करके दिखाऊंगी ताकि आपको यकीन हो कि मैं जो कह रही हूँ, क्योंकि मैं अपने बाल में लगाऊंगी तो आप लोग कहोगे कि आपके बाल तो पहले से ही काले थे, तो इसीलिए मैं अपने बाल में आपको नहीं दिखाऊंगी, आपको दिखाऊंगी धागे पे करके। मेरे घर में भी कोई नहीं है जिनके की बाल सफेद है तो मैं नहीं दिखा सकती, तो इसलिए मैं धागे में करके आपको दिखाऊंगी ताकि आपको यकीन हो जाए, विश्वास हो जाए कि मैं जो कह रही हूँ वो कितना सही है और कितना इफेक्टिव है ये। तो इसको पहले खूब अभी एकदम काला करके जला के भून लेते हैं। ये जी देखें, एकदम जल जल के ये जो है ये एकदम से राख हो गया काला, कोयला से भी ज्यादा काला जब ये जल के इस तरह से हो जाए। अब हमने क्या करना है कि अब हम गैस को बंद कर देंगे, इसको ठंडा होने देंगे। और तो अब इसमें जी ये जो हमने भुना अभी कलौंजी को, इसको डाल देंगे और इसको अब हम मिक्सी में बहुत अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। तो ये रहा जी पाउडर। अब क्या करना है आपको कि आपने पहले रात में जो है ऑयल लगा लेना है, ऑयल लगा के जो मैंने ऑयल बताया है इसको लगा के आपने सो जाना है, तभी आपको अपने बालों में चेंजेस दिखने शुरू हो जाएंगे। सुबह आपने अच्छे से शैम्पू कर लेना है, शैम्पू करने के बाद आपको ये डाई लगाना है। तेल लगे बालों में या पुराने बालों में, बिना धुले बालों में नहीं लगाना है, कलर बहुत अच्छा नहीं चढ़ेगा। तो आपने ये जितनी आपकी जरूरत हो आपने उतना ही लेना है, बहुत ज्यादा नहीं लेना है। तो आपने क्या करना है कि ये एक चम्मच लिया और अब इसके अंदर में आपने पानी डालना है उसी हिसाब से जितनी रिक्वायरमेंट है, आपके बाल जैसे हैं जितनी आपके बालों में लगती है क्वांटिटी उसी हिसाब से बढ़ाएं या घटाएं। ये एकदम गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए, एकदम पतला भी नहीं होना चाहिए, एक स्मूथ सा आपको पेस्ट बनाना है, क्रिएट करना है इसका। क्रिएट करने के बाद जैसा कि मैंने बोला कि मेरे बाल तो सफेद नहीं है तो मैं आपको धागे में दिखा रही हूँ जो कि एकदम व्हाइट है, पूरा सफेद धागा ले रही हूँ, इसमें आपको ज्यादा अच्छे से पता चलेगा। इस धागे पे मैं इसको लगा रही हूँ, लगाने के बाद आधे घंटे छोड़ना है। आपने भी अपने बालों में इसको लगाने के बाद हाफ एन आवर के लिए आपने छोड़ देना है, भूल जाना है कि आपने बालों में कुछ लगाया है। इसको अभी लगाकर, ये लगा दिया मैंने अच्छे तरीके से, आप देख लें लग गया ये। अब इसको मैं आधे घंटे के लिए छोड़ देती हूँ और आधे घंटे के बाद मैं आपको पानी में डालकर इसको दिखाऊंगी कि इसका क्या मैजिक है। तो अब जी आधा घंटा हो गया है, तो अब ऐसा करते हैं कि आप चाहें ना तो इसको आधा घंटा से दो घंटे भी रख सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब हम इसको इसमें धोने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि इससे आपके बाल काले होंगे या नहीं। जो एक्स्ट्रा कलर्स हैं वो सब कलर्स इसमें से निकल जाएंगे। और ये रहा जी आपके बाल, आप इसको चाहो तो दोबारा से करके देख लो, कितना भी निकाल लो ये अब नहीं निकलेगा। ये रहा, इस तरह से आपके बाल जो है वो काले होने शुरू हो जाते हैं आधे घंटे से दो।
आप करके देखिएगा, मेरा ये वादा है कि कितना भी पुराना आपका सफेद बाल है, हाँ अगर आपकी उम्र 70 साल है तब नहीं होगा, लेकिन आपकी उम्र अगर छोटे एक बच्चे टीनेजर बच्चे से लेकर के 40 50 55 60 साल तक के भी उम्र अगर है तो आप इस नेचुरल तरीके से अपने बाल को हेयर डाई कर सकते हो। ये है अमेजिंग इंटरेस्टिंग मजेदार उपाय। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे होलिस्टिक हेल्थ विद पुनीता से फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत प्यार से देखभाल कीजिए। थैंक यू सो मच मुझे वॉच करने के लिए।